हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं कि आप दोनों के बीच जो भी सेपरेशन है, क्या वो एंड होगा? जो भी ब्लॉक और ब्रेकअप सिचुएशन है, क्या आपके पर्सन अनब्लॉक करेंगे और ब्रेकअप एंड होगा आप दोनों के बीच? ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग जो है टाइमलेस रीडिंग है। जब भी जिसके सामने आएगा तब उसके कारण सिचुएशन से मैच करेगा। जिसके बारे में सोच के आप रीडिंग को देखेंगे उसकी एनर्जी को पिक करेगा रीडिंग। और सिंगल मैरिड अनमैरिड डिवोर्स वीडियो कोई भी देख सकते हैं। किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकते हैं। सारे रिलीजन के लोगों के लिए रीडिंग ओपन है। तो चलिए रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स, जो लोग भी सेपरेशन में हैं, क्या उनका सेपरेशन एंड होगा? जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं या फिर ब्लॉक और ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, उन लोगों के बीच क्या सेपरेशन एंड होगा, क्या ब्रेकअप सिचुएशन एंड होगा? प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स, जिन भी रिश्ते में हैं उनके पर्सन के साथ, उस रिश्ते का सेपरेशन कब तक एंड हो सकता है? प्लीज एंजल, गुस्से में है, हो सकता है फाइट हुआ है आप दोनों के बीच पास्ट में, सेपरेशन एंड होगा गाइस, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड आया है। तो जो लोग मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, ठीक है, उनका रियूनियन हो सकता है, पीसफुल रिजोल्यूशन आ सकता है। और जो लोग सिंगल हो, आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं और आपके साथ जो है वो फ्यूचर को देखते हैं, सिजोफेनिया और क्या आ सकता है, और क्या हो सकता है? आपके बिना आपके पर्सन अलोननेस में है, बहुत ज़्यादा हार्मिड मूड में है आपके पर्सन, और आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड आना चाह रहे हैं, तो एक कार्ड दो गिरे हैं, तो इसको हम ले रहे हैं। ये कार्ड आना चाह रहे हैं, पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, खुद को हील कर रहे हैं फिलहाल। बॉटम द डेक है गिल्ट, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, पछतावे में है, नेगेटिविटी में है आपके पर्सन, लेकिन सेपरेशन एंड होगा, रियूनियन होगा। टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आए हैं। आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। यहाँ पर जो है काउंटर पार्ट आ गए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सेपरेशन एंड होगा, रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, आप लोग एक साथ हो जाओगे। टेन ऑफ पेंटिकल आए हैं यहाँ पर, तो कंप्लीशन आएगा आपके रिश्ते में। ओके, तो ये चार्ट को हम ऊपर ही रख रहे हैं ताकि हमें पॉजिटिविटी मिले। ओके, उसके बाद ये कार्ड भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। देखिए सक्सेस बॉटम से आ ही जाता है। तो आप दोनों के बीच पास्ट में फाइट हुआ है या फिर आपके पर्सन जहां पर है वहां पर फाइट हुआ है, फाइव ऑफ सोर्स के कार्ड है। तो आपके पर्सन गिल्ट में है, पछतावे में है और सक्सेस चाह रहे हैं आपकी तरफ, सक्सेसफुली गिल्ट से, फाइट से, कंपेरिजन से बाहर आना चाह रहे हैं आपके पर्सन। ओके, तो जरूर आपके साथ रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, स्टेबिलिटी आएगा। आपके पर्सन आपको ही मैरिज मटेरियल देखते हैं अगर आप सिंगल हो तो। जो लोग मैरिड हो, यहाँ पर कपल आए हैं तो मैरिड हो सकते हो। अगर आप दोनों के बीच ब्रेकअप है, सेपरेशन है, तो जरूर रियूनियन होगा। अगर आपके बच्चे हैं तो आप सब लोग एक साथ मिल के जो है रिश्ते को आगे बढ़ाओगे। तो थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि फाइट हो रहा है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अलोननेस में है, या फिर पास्ट में आपके साथ फाइट हुआ था
और दो सिचुएशन में आपके पर्सन कंफ्यूज थे, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा सोच रहे, आइसोलेशन में है, ओवरथिंकिंग वो कर रहे हैं। होपफुल है कि एक ना एक दिन उनका प्रेयर गॉड ने सुन लेंगे और आप दोनों का जो रिश्ता है वो कंप्लीट होगा यहाँ पर। ओके, और फिलहाल ओवरऑल उनका जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा गिल्ट की है, पछतावे की है, तो वो हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं। जो भी उन्होंने पास्ट में किया है, जो भी फाइट हुआ है आप दोनों का, वहाँ पर आपके पर्सन उस चीज़ों के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी। प्लीज एंजल क्लैरिफाई द स्प्रिट फ्रॉम दिस डेक, क्लैरिफाई द स्प्रिट फ्रॉम दिस डेक। अबंडेंस क्यों आए हैं, किस में अबंडेंस आएगा, अबंडेंस क्यों आए हैं एंजल? यहाँ पर कोई साइकिल एंड होगा, आपको ही दुआ, आपको ही आपके पर्सन दुनिया मानते हैं। यहाँ पर आया है वी आर द वर्ल्ड, यहाँ से आया है दी वर्ल्ड, तो आप ही उनके दुनिया हो। आपके लिए आपके पर्सन इमोशनल है, होपफुल है कि आगे जाके रिश्ता जो है ग्रो करेगा, आप लोग एक हो जाओगे। ओके, यहाँ से स्टार का कार्ड, फिर यहाँ से भी स्टार का कार्ड, ठीक है, सेम कार्ड आए हैं, तो आप लोगों का विश फुलफिलमेंट होगा गाइस। जो भी सेपरेशन है यहाँ पर एंड होगा दी वर्ल्ड कार्ड के साथ। फ्लावरिंग क्यों आया है एंजल यहाँ पर? यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी फीमेल हो सकते हैं जो कि आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन की तरफ से जस्टिस होगा यहाँ पर, सिचुएशन बैलेंस होगा, या फिर आपके पर्सन ने सोर्स लेके बैठे हैं, जो भी उनको सार्फ नहीं करेगा उनको काट अप करेंगे, जो भी रिश्ता ऑब्स्टिकल्स बनेगा उनको काट अप करेंगे, जो भी पीसफुली रिजॉल्व नहीं होगा, अगर उनके फैमिली थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, और बातचीत करके पहले उन्होंने सॉर्ट आउट करने के लिए सोचेंगे, अगर उसके बाद भी जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है, पीसफुल रिजोल्यूशन नहीं आता है, तो आपके पर्सन जो है काट अप करेंगे एंड जस्टिस करेंगे, बैलेंस करेंगे, एक्शन आएगा आपके तरफ, आपके लाइफ में जो है लाइट आएगा, होप आएगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा, उजाला आएगा आपके लाइफ में, एक्शन होगा आपके तरफ। जो भी यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा था, यहाँ पर एक्शन होगा आपके तरफ। कब तक रियूनियन होगा, रियूनियन कब तक होगा एंजल? फ्रेंडलीनेस क्यों आए हैं? आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था इसलिए गिल्ट में है। देखिए रियूनियन होगा टू को, टेम्परेंस ने क्लेरिफाई किया है, तो जरूर जो है सिचुएशन में बैलेंस आएगा, आप दोनों रीयूनाइट हो जाओगे। ओके, तो खुश हो जाइए, रियूनियन आ रहा है आपके तरफ। आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन है कि पहले उन्होंने आपका ऑफर ठुकराया है और थर्ड पार्टी को चुना है, लेकिन वो थर्ड पार्टी डेविल है, कार्मिक है, जो कि आपके पर्सन को टॉर्चर करते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में प्रोटेक्टेड है और आपको लेके बहुत ज़्यादा जेलस है, एडिक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और आपके साथ जो है न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके पर्सन। वी आर द वर्ल्ड क्यों आए हैं एंजल यहाँ पर? स्टक है किसी सिचुएशन में, किसी बर्डन में, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टक है। हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका फैमिली हो सकता है, उनके फैमिली में से कोई हो सकता है, जहाँ पर वो ना चाहते हुए भी अटके हुए हैं, इसीलिए रिग्रेट में है, स्लीपलेस नाइट है। कुछ लोगों के पर्सन के लाइफ में हो सकता है कार्मिक मैरिज में आपके पर्सन अटके हुए हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ सोर्स के साथ और नाइन ऑफ सोर्स के साथ आए हैं यहाँ पर शादी के कार्ड, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आपके पर्सन ना चाहते हुए भी किसी शादी का बर्डन वो ले रहे खुद के ऊपर। अगर किसी किसी लोगों के यहाँ पर फैमिली थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पर आपके पर्सन शादी में वापस आ रहे हैं बहुत क्विकली आपके तरफ, रियूनियन चाहते हैं, और आप लोगों का विश फुलफिलमेंट होगा गाइस यहाँ पर, ठीक है। दो दो स्टार के कार्ड आए हैं, यहाँ से स्टार, यहाँ से स्टार, फिर यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स आया है, तो जरूर आप लोगों का जो है विश फुलफिलमेंट होंगे, और आपके पर्सन बहुत क्विकली आपके तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आगे आने वाले टाइम में, और अभी भी कर रहे हैं वो आपको मिस। ओके, फाइटिंग का कार्ड क्यों आया है एंजल? फाइटिंग क्यों आया है, फाइटिंग क्यों आया है एंजल?
इमोशनल हो रहे हैं लेकिन कंट्रोल करें इमोशन को। थर्ड पार्टी की तरफ गुस्सा है आपके पर्सन को, जो थर्ड पार्टी है वो दिमाग से काम ले रहे हैं और आपके पर्सन आपके तरफ इमोशनल है लेकिन छुपा रहे हैं इमोशन को और खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। या फिर थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर फाइट हो रहा है, इसलिए फाइटिंग का कार्ड आया है। फाइटिंग को टू ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस ने क्लैरिफाई किया है। तो आपके पर्सन जिनके साथ है वो बहुत ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ। बहुत सारे कुछ क्लियर नहीं है आपके पर्सन के, उनके बारे में क्लियरिटी नहीं है आपके पर्सन को। और आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, केयर फ्री होकर आपके तरफ आना चाह रहे हैं, पैशनेट है वो आपके तरफ। सिज़ोफ्रेनिया क्यों आया है एंजल यहाँ पर? शादी, कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर कार्मिक शादी में है, इसीलिए थर्ड पार्टी को क्लेरिफाई किया है शादी। तो उस शादी को एंड करना चाह रहे, इसलिए मैनिफेस्ट करते हैं, चाहते हैं वो शादी को एंड करना, या फिर थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आप दोनों के बीच अगर सेपरेशन है, शादी में सेपरेशन है, तो आपके पर्सन प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप दोनों का जो ब्रेकअप सिचुएशन है यहाँ पर एंड हो जाए और यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो जाए, आपके पर्सन आपके तरफ वापस आ जाए, जजमेंट हो जाए। टेन ऑफ पेंटिकल आए हैं, अगर आपका आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे हैं आपका, तो यहाँ पर जो है आप लोग रिकॉन्सिलेशन हो जाए आप दोनों के बीच, और जो है आप दोनों बहुत खुशी से एक साथ आपके लाइफ को हैप्पीली बिताओ, यही चाहते हैं। आपको स्टेबिलिटी कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, किसी सिचुएशन से थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। आपके तरफ जजमेंट होगा डिवाइन की तरफ से। और जो लोग सिंगल हो, आपके पर्सन शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ बच्चे देखते हैं, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे, इसीलिए वो चीज़ जो है मैनिफेस्ट हो रहा है और आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं आपके पर्सन। अलोननेस क्यों आया है एंजल यहाँ पर? अलोननेस क्यों आया है? अलोननेस क्यों आया है? एम्परर डिसीजन ले रहे, बहुत ज्यादा देखिए सोचने की कार्ड है। अलोननेस हार्मिट का कार्ड है, यहाँ पर दी हैंग्ड मैन, तो बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे, बहुत ज्यादा सोच रहे आपके पर्सन कोई पावरफुल डिसीजन लेने के लिए आपके तरफ। देखिए हार्मिट को हार्मिट ने क्लैरिफाई कर दिया है, बहुत सोचने के समझने के बाद आपके पर्सन आपके तरफ वापस आएंगे, बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, खुद से कॉल मैसेज नहीं करना है, वेट करना है ताकि आपके पर्सन की जो घमंड है, एटीट्यूड है, वो टूटे और आपका वैल्यू आपके पर्सन के सामने बढ़े, आपका इम्पोर्टेंस बढ़े, कि आपके पर्सन के अलावा भी आपके लाइफ में दूसरा काम है, आप सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन के लिए डेडिकेटेड नहीं हो, खुद के लाइफ में आप फोकस कर रहे हो, खुद के ज़िंदगी में आप फोकस कर रहे हो, खुद के फैमिली में, खुद के फ्रेंड्स के साथ आप टाइम को स्पेंड कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप अपने पर्सन के लिए डेडिकेटेड नहीं हो, ऐसा आपको शो करना है और ऐसा आपको करना भी है कि आपके लाइफ में और जो रिलेशन है और जो चीज़ें हैं उनको भी आपको इम्पोर्टेंस देने हैं और उनके साथ भी आपको टाइम स्पेंड करने हैं एंड खुशी रहने हैं, हैप्पी रहना है आपको, ओके, तभी आपके पर्सन वापस आएंगे। तो फिलहाल आपको कॉल के लिए वेट करना है, पॉजिटिवली अगर आप वेट कर सकते हो तो करो, अदरवाइज आप मूव ऑन भी कर सकते हो। अगर आपका इंट्यूशन गाइड करता है कि आपके पर्सन आपके तरफ नहीं आएंगे, तो आपको जो है खुद के लाइफ में फोकस करना है और इस रिश्ते के बारे में सोचना नहीं है, ओके। यहाँ पर जो है आपके पर्सन ने पावरफुल डिसीजन लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर डिसीजन के दो दो कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर कोई बोल्ड क्विक एक्शन लेना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ सोच समझ कर वो कोई डिसीजन लेंगे, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर कार्ड देखिए, हैंग्ड मैन, अलोननेस एंड दी हार्मिट। एग्जिस्टेंस क्यों आया है? क्या मेरे व्यूअर्स के विश फुलफिल होगा? क्या मेरे व्यूअर्स के विश फुलफिल होगा? प्लीज आंसर गाइड मी, एग्जिस्टेंस क्यों आया है? टावर मोमेंट एंड होगा गाइस, देखिए रियूनियन होगा, टावर मोमेंट एंड होगा, रियूनियन होगा। जो भी मैंने पूछा था एंजल से, क्या मेरे व्यूअर्स का सेपरेशन एंड होगा, यस गाइस आप लोगों का जो भी सेपरेशन है वो एंड होगा,
आपके पर्सन से पर्सन को एंड करके आपके तरफ बैंड बाजा बारह लेके आएंगे, या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके पर्सन आपके तरफ आएंगे क्विकली, आपके साथ रीयूनियन होगा। ठीक है, तो 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6 मंथ लग जाए, कुछ लोगों के लिए 6 वीक, और कुछ लोगों के लिए 6 डेज में भी बातचीत हो सकता है, मैसेज आ सकता है, छोटा सा कोई वो जेस्चर आपको दे सकते हैं। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक था, क्या रियूनियन होगा, क्या सेपरेशन एंड होगा? हाँ जी, जरूर 100% एंड होगा, अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट किया है तो। ओके, गिल्ट क्यों आए हैं एंजल यहाँ पर? कैसा गिल्ट, क्यों गिल्ट में है मेरे व्यूअर्स के पर्सन? स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, उनके नजरों में फिलहाल आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, अथॉरिटेटिव हो चुके हो, वो डर रहे हैं आपके तरफ आने के लिए कि उन्होंने किसको मिस कर दिया है, किसको छोड़ दिया है। आपको बहुत ज्यादा एम्प्रेस की तरह वो देख रहे हैं, एक रानियों की रानी की तरह वो देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड ऑथोरिटेटिव फिगर बन चुके हो आप अभी। तो आपके पर्सन बहुत क्विकली आपके तरफ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आपके तरफ आना चाह रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हो ऑलरेडी मैरिड हो आपके पर्सन से, कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हो, या फिर कुछ लोग मतलब जो भी मैरिड है और फीमेल एनर्जी में है, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। और कुछ लोगों के लिए जो है आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपको वाइफ की तरह या फिर हस्बैंड की तरह देखते हैं, ताकि वो आपके साथ जो है फ्यूचर को आगे लेके जा सके। ओके गाइस, तो चलिए मैं कुछ मैसेजेस और नेम इनिशियल आपके लिए देख लेती हूँ कि कौन सा नेम इनिशियल आपके लिए आ सकता है, उसके बाद मैं देखूंगी एंजल गाइडेंस की एंजल आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नेम इनिशियल है। तो हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जिनके लिए आप देख रहे हो, टॉलर देन यू, आपसे टॉलर हो सकते हैं आपके पर्सन, स्लिम स्मार्ट वुमेन, तो ए रेजोनेट हो सकता है, हेल्दी और गोलू मोलू, तो हेल्दी हो सकते हैं आपके पर्सन, डार्क एंड क्यूट, तो यहाँ से कोई डार्क एंड क्यूट हो सकते हैं गाइस, भार्गो या फिर कन्या एनर्जी में कोई हो सकता है जिनका राशि हो, डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 12th के अंदर कोई भी मंथ का, और एज 32 से 42 हो सकता है, ये सारे एक साथ मैच नहीं करेंगे, किसी किसी के लिए डेट ऑफ बर्थ मैच कर सकता है, किसी के लिए एज मैच कर सकता है, किसी के लिए जो है राशि मैच कर सकता है, तो जिनको जो मैच करे वही लेना है। ब्राउनिश हेयर, तो हो सकता है आपके पर्सन के ब्राउनिश हेयर हो, कर्ली हेयर बिजनेस और जॉब, तो कर्ली हेयर हो सकते हैं, एक्यूरियस राशि मतलब कुंभ राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर आप 17 से 27 के अंदर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एज 22 से 33 के अंदर आपके या फिर आपके पर्सन के, दिसंबर मंथ जो है आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, बर्थ मंथ या फिर शादी के मंथ या फिर कुछ भी, और BDHQ ए हो सकता है नेम इनिशियल, उसके बाद आया है मे मंथ, ADR MLVEO नेम इनिशियल है, मे मंथ स्पेसिफिक हो सकता है, और बेबी आपको बोलते होंगे आपके पर्सन ने, शॉर्ट बट राइट फॉर मी, तो आपके पर्सन शॉर्ट हो सकते हैं लेकिन आपके लिए राइट है, नवंबर मास, EGPY और लाभ आपके लिए मैसेज है, जून मंथ हो सकता है, MYWSPCE, तो ये कुछ जो है हो सकते हैं। जेमिनी हो सकता है आपके पर्सन मतलब कि मिथुन राशि के, और डेट ऑफ बर्थ 1 से 11, एज 18 से 28 हो सकता है। ठीक है गाइस, और
कुछ लव मैसेजेस मैं लूंगी आपके लिए, कि मेरे व्यूअर्स के लिए लव मैसेजेस क्या है। यहाँ से दो या तीन मैं लूंगी और मैसेजेस मैं बनाऊंगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं पेपर काट करके रखे हैं, मैसेजेस लिखने की देरी है, बस टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। और ये बॉटम से है, एक और को मैं ले रही हूँ, तो इसको पहले पढ़ते हैं। आई लव यू, आई होप दैट एवरी ड्रीम्स ऑफ योर्स कम ट्रू। तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आशा करते हैं कि आपका जो भी विशेष है वो कम ट्रू हो जाए, मतलब सच हो जाए, एंड दैट इन योर ड्रीम्स वी आर टुगेदर फॉर एवर। और ये चाहते हैं कि आपके ड्रीम में आप दोनों एक साथ हो, हमेशा हमेशा के लिए, यही वो मांग रहे हैं। माई हार्ट विल ऑलवेज चेस आफ्टर यू, तो उनके हार्ट हमेशा ही आपको चाहते हैं, नो मैटर हाउ फार यू आर। तो कुछ भी मैटर नहीं करता है कितने दूर आप दोनों हो, नाथिंग कैन रिप्लेस यू फ्रॉम माई हार्ट। कुछ भी आपको उनके दिल से अलग नहीं कर सकता है, कोई भी सिचुएशन आपके पर्सन के दिल से आपको अलग नहीं कर सकता है। ए लव लाइक आवर्स डज नॉट हैपन एवरी डे। आप लोगों के जैसे प्यार हर रोज नहीं होता है। आई फील सो ब्लेस्ड टू हैव फाउंड समवन हु इज एन आइडियल मैच फॉर मी। तो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुशी फील करती हूँ कि आप जैसे पर्सन मेरे लाइफ में आए हो, और जो मेरे परफेक्ट मैच है, आइडियल मैच है। आई लव यू सो मच, तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई इंस्टेंटली स्माइल व्हेन आई थिंक ऑफ हाउ मच यू वर्क हार्ड एंड टेल मी इट्स फॉर आवर फ्यूचर, आई लव यू। तो वो कभी कभी बैठते बैठते स्माइल करते हैं, ये सोचते हैं कि आप कितना ज़्यादा हार्डवर्क करते हो और बोलते हो ये सारे काम मैं हम लोगों के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और लास्ट में है आई लव यू। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए मैसेजेस, कुछ एंजल गाइडेंस मैं यहाँ पर लूँगी। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग में सब कुछ परफेक्ट होगा। और लिसन टू योर इंट्यूशन, खुद की इंट्यूशन को फॉलो करो, जो भी आपका इनर गाइडेंस आपको गाइड कर रहे हैं। लॉजिक मत यूज़ करना कि क्यों करूँ, किस लिए करूँ, ये सही नहीं होगा। अगर दिमाग यूज़ कर रहे हो कि ऐसा ऐसा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दिमाग मत यूज़ करना, नहीं सोचना, जो भी आपको बोला जा रहा है उसको बस सुनते जाओ। अनलाइकली तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपने कोई कन्फ्यूज हो, कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कुछ आंसर आप ढूंढ रहे हो, तो एंजल बोल रहे हैं कि अनलाइकली, तो वो आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कुछ मंथ के अंदर रिकवरी आ सकता है। लुक फॉर अ साइन, तो आपको साइन एंड सिंक्रोनिसिटी मिल रहा है, आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है रीडिंग चलते टाइम, तो उसका आंसर यस है, डबल कन्फर्मेशन यहाँ पर आए हैं। जो लोग भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर यस है, या फिर आपके लिए जो है पॉजिटिविटी आ रहा है, रिमेन पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिविटी आ रहा है, मैंने बोला है, और बॉटम से है रिमेन पॉजिटिव। तो आपका सिचुएशन जैसा भी हो, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है। तो गाइस ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करना, कितना रेजोनेट हुआ है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।
और इन दिनों जिनका भी सेपरेशन एंड होता है, बातचीत होता है, जरूर से कमेंट में बताना ताकि अदर्स को भी पता चले, अदर्स लोग भी होपफुल रह सके, पॉजिटिव रह सके। तो कुछ नहीं कर सकते हो दूसरों के लिए, तो इतना हेल्प कर दो, ठीक है, ताकि जो है दूसरों को पॉजिटिविटी मिले और मुझे भी पता चले, मुझे भी पॉजिटिविटी मिलता है कि मेरा जो रीडिंग प्रेडिक्शन है कलेक्टिव के लिए, जनरल के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं आगे जाके सच हो रहा है। कॉल मैसेज किसी ना किसी को आ रहा है, रीयूनियन किसी ना किसी का हो रहा है, ठीक है गाइस। तो ये बहुत बड़ा हेल्प है गाइस, अगर आपका कॉल मैसेज आता है तो आप जरूर से कमेंट में बताना, ओके। तो फिलहाल इस रीडिंग को मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। टेक केयर योर सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो, एंड हेल्प जरूर करो दूसरों का जितना हो सके आपसे, जो भी आप कर सकते हो, फिजिकली इमोशनली अगर सपोर्ट कर सकते हो किसी को, या फिर कुछ भी आप इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकते हो, या फिर किसी का अगर फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए तो वहाँ पर कैसे भी करके अगर आप हेल्प कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगा, आपको भी खुशियाँ मिलेगा, और जो है जिनको आप हेल्प कर रहे हो उनको भी खुशियाँ मिलेगा, उनका हेल्प हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का रीडिंग, अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करना। टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।